हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ आईसी मंत्रा क्लासेस कर। तो बेटा, आज जो हमारा चैप्टर होगा वो सर्च एंड इंडाइसिस का पार्ट थर्ड होगा, और थर्ड पार्ट में हम न्यू पैटर्न और हार्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली जो तुम थंबनेल में क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये हमारी वीडियो का फिफ्थ क्वेश्चन होगा, ये सिक्स्थ क्वेश्चन होगा और ये सेवन्थ क्वेश्चन होगा। तो बेसिकली एक बार समझ लीजिए कि इस वीडियो के अंदर हम किस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखो, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन जो कि तुमने थंबनेल पर देखे थे, उनको करने से पहले हम इन चार क्वेश्चंस को करेंगे। बिकॉज अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है ना बेटा, तो वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। बट अगर जिन बच्चों का बेसिक स्ट्रांग है और उन बच्चों को वो क्वेश्चन नहीं आते, तो बेटा वो स्किप कर कर वीडियो को स्किप कर कर फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन और सेवन्थ क्वेश्चन डायरेक्ट देख सकते हैं। बट जिन बच्चों का बेसिक अच्छा नहीं है, उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि पहले वो इन क्वेश्चंस को समझें और उसके बाद उन टफ क्वेश्चंस को करें। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा, तो बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी इस क्लास का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक अनंत श्रेणी का मतलब क्या है, एक इन्फिनिटी सीरीज दे रखी है जो इन्फिनिटी तक है, और एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, अंडर रूट ट्वेल्व प्लस अंडर रूट ट्वेल्व, और ये कहां तक दे रखी है हमें, इन्फिनिटी तक। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है बेटा? तो देखिए, समझने की कोशिश करना क्या होता है। अब हम जो हमें ये 12 दे रखा है, ठीक है, इस 12 का हमें इस तरह का फैक्टर करना है कि उनके फैक्टर का अंतर जो हो वो कितना हो, एक। समझ में आया? जैसे कि देखो, समझने की कोशिश करो, 12 दो गुना छह भी तो क्या होता है, 12 होता है। बट अगर मैं 2 का और 6 का अंतर देखूं तो क्या वो एक है? नहीं, इनका अंतर क्या है, 4। हमें 12 के इस तरह के फैक्टर करने हैं कि उनका अंतर कितना आ जाए बेटा, एक आ जाए। जैसे कि 4 गुना 3, इन दोनों फैक्टर्स का अंतर कितना है, एक। तो ध्यान से देखो, बात को समझना। अभी हमने 12 के फैक्टर कर लिए जिनका अंतर कितना है बेटा, एक है। ठीक है, तो एक तो फैक्टर हुआ 4 और एक फैक्टर हुआ 3, और इनके बीच का अंतर कितना हुआ, इनके बीच के अंतर की बात करेंगे तो अंतर हो गया एक। अब आंसर हमारे पास कितना हुआ, आंसर हमारा 4 होगा या 3 होगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में जो साइन है वो प्लस दे रखा है या फिर माइनस दे रखा है। अब इतनी बात समझ लो बेटा, अगर इस क्वेश्चन की सीरीज में, श्रेणी में हमें प्लस वाला साइन दे रखा है, प्लस वाला साइन, तो हमारा आंसर होगी बड़ी वाली संख्या। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 4। तो अभी हमारे पास यह आंसर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, बट अगर मान लो कि हमें माइनस दिया होता, अगर मान के चलो कि हमें यहां सीरीज में माइनस दिया होता, प्लस ना देता, तो फिर हमारा आंसर क्या होता, फिर हमारा आंसर कितना होता बेटा, 3। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब देखो, इतना समझने के बाद आप सबके माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर कोई ऐसा नंबर दे दे जिनका डिफरेंस, जो उनके फैक्टर हैं उनका डिफरेंस एक ना हो। जैसे 7 है, अब 7 के कोई भी ऐसा फैक्टर हो ही नहीं सकता, 7 तो 7 के फैक्टर क्या हो गया, तो एक होगा या 7 होगा, इनका अंतर एक आ ही नहीं सकता, है ना, राइट। जैसे 13 है, जैसे 19 है, तो ये कुछ ऐसे नंबर हैं जिनके फैक्टर्स का डिफरेंस कभी भी एक नहीं हो सकता। तो इस केस में हम क्या करें, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले आप इतना समझो कि जिन क्वेश्चन में जो हमारा नंबर है उनका जो अंतर अगर एक आता है, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में प्लस दे रखा है तो बड़ी वाली संख्या हमारा आंसर होगा, और अगर क्वेश्चन में माइनस दे रखा है तो छोटी वाली जो संख्या होगी वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए एक बार हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह का। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में भी हमें जो सीरीज दे रखी है बेटा वो इन्फिनिटी तक दे रखी है ना, अनंत श्रेणी दे रखी है, और एक्स का मान हमें कितना दे रखा है, अंडर रूट ट्वेंटी माइनस अंडर रूट ट्वेंटी, और ये इन्फिनिटी तक हमें दे रखा है, और एक्स की वैल्यू हमें पूछी गई है। क्लियर है? तो उसी तरह से सबसे पहले हमें कोशिश क्या करनी है कि हमारा जो नंबर है 20, उसके हमें फैक्टर देखने हैं कि ऐसे फैक्टर हम देखें जिनका डिफरेंस कितना आ जाए, जिनका डिफरेंस आ जाए एक। तो भाई 20 के तो ऐसे फैक्टर बन सकते हैं, हमें पता है कि 20 को अगर 4 गुना 5 में करूं
तो 4 × 5 का बनता है 20 बनता है, और इनके बीच का अंतर भी 1 है। तो भाई इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आएगा बेटा 4 और ये आ जाएगा 5। अब बात आती है कि अभी 5 आंसर है या 4 आंसर है। तो मैंने अभी बताया था अगर प्लस होगा तो बड़ी वाली संख्या मतलब 5 आंसर होगा, पर अगर माइनस है, देखो इस क्वेश्चन में हमें माइनस दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 4। क्लियर है? माइनस होने पर छोटी संख्या हमारा आंसर होगी। अब देखो तुम्हें कंफ्यूजन करने के लिए बेटा माइनस 4 भी ऑप्शन में दे रखा है, तो ध्यान रखना कि इस तरह के क्वेश्चन में माइनस में आंसर कभी नहीं आता, क्योंकि ये रूट है। ठीक है, क्योंकि ये रूट है और रूट को जब भी हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आंसर तो स्क्वायर करके ही आएगा, तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में। मान लो कि भाई ये -20 है और -20 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा? +400 आएगा। तो माइनस में कभी भी आंसर नहीं आता, तो हमारा आंसर कितना होगा? 4। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट कर कर इसका आंसर दोगे। इस क्वेश्चन का जितना मैंने अभी तक तुम्हें पढ़ा दिया है उसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में डालोगे नीचे कि इस कितना आंसर आएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। तो बेटा जरूर इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर नहीं होता तो भी बोल देना कि सर ये क्वेश्चन हम पे नहीं हुआ, तो फिर मैं अलग से तुम्हें ये बता दूंगा, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर देना। आप लोगों को मेरा नंबर पता ही है, 8813848586। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन में तो तुम मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं वहां पर बता दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने। तो बेटा इस क्वेश्चन को अब समझिए, क्वेश्चन 4th को, और देखो यहां से हम एक नई चीज सीखेंगे। अब 31 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं बन सकता जिनका डिफरेंस 1 हो, है ना। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाए, राइट? अब 31 तो एक ऐसा नंबर हो गया किसी भी हालत में अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं, और बेसिकली देखा जाए तो 31 का सिर्फ एक ही फैक्टर बनता है, 1 × 31, बस यही तो फैक्टर बन सकते हैं और कुछ बन नहीं सकता। तो अब समझिए कि ये वाले क्वेश्चन हमें किस तरह से करने होते हैं। तो बेटा अब ध्यान से एक बात समझना, मैं आपको अब एक ट्रिक और एक फॉर्मूला बताने वाला हूं जो कि तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आता है। तो देखिए अगर पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आता है, √a + √a + √a, और ये जो सीरीज है ये इन्फिनिटी तक तुम्हें गिवन है, और एक ऐसी वैल्यू है जिसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है जिनका अंतर 1 हो, जैसे 31 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। अब इनके जो फैक्टर हैं ऐसे कभी बन ही नहीं सकते जिनका डिफरेंस 1 हो। तो इसके लिए बेटा तुम फॉर्मूला याद रख लीजिए। फॉर्मूला तुम्हें क्या याद रखना है, इक्वल टू 4a + √+1/2। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ठीक है। 4a + 1, इसके अंदर होल क्या आएगा, √+1/2। अगर तुम्हारे इसी कुछ सीरीज में मान लो कि ये इस तरह से माइनस में आए, a − √a − √a- और इन्फिनिटी तक, है ना, अगर ये चीज माइनस तक हो तो फॉर्मूला क्या होगा, 4a + 1 − 1/2। ठीक है, देखो प्लस आ रहा है तो यहां पर भी प्लस होगा, और अगर माइनस आ रहा है तो यहां पर भी माइनस होगा। अब a क्या होगा, यहां पर a होगा हमारा यहां पर 31 के बराबर, है ना। a होगा हमारा यहां पर 31 के बराबर। तो आप फटाफट एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को रब कर इस क्वेश्चन का मैं आंसर तुम्हें बताता हूं किस तरह से होगा, ठीक है। तो चलिए बेटा देखो ट्रिक एंड फॉर्मूला मैं बता चुका हूं तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन को करने का। तो अभी देखिए a की वैल्यू यहां पर हमारे पास कितनी है, 31। क्लियर है? तो 31 हम सीधी बस a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 × में कितना आएगा, 31, प्लस में कितना होगा, 1 − 1/2 में कितना आएगा बेटा, ये 2। तो 4 को 31 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 124 + 1 = 125। तो ये हमारे पास आ गया 125 √−1/2। अब देखिए इस तरह की फॉर्म में हमें ऑप्शन नहीं दे रखा, तो मतलब हमें ये आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो 125 रूट को देखो किस तरह से आप सॉल्व करोगे, ये समझो 125 √125 है,
रूट 125 को मैं कितना लिख सकता हूँ, रूट 5 गुना में कितना 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2, तो 5 की पावर 2 है वो रूट से क्या आ जाएगी बाहर, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 root 5। क्लियर है बेटा, तो इसको हम लिख देंगे 5 root 5। ठीक है, यहां पे प्लस होगा बेटा क्योंकि प्लस है ना, हाँ यहां पे प्लस है तो सारे क्वेश्चन में क्या होगा प्लस होगा, ठीक है ना, प्लस है तो प्लस आता था। चलिए आगे, तो प्लस 1 अपॉन में कितना होगा 2, तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 2 से काटा तो कितना आया 2.5 अंडर रूट 5, और इसको 2 से काटा तो कितना आएगा 0.5। तो देखिए इस तरह का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है, तो आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा नंबर आता है जिसका फैक्टर के डिफरेंस, फैक्टर्स के डिफरेंस एक नहीं होता, तो आपको ये ट्रिक और फॉर्मूला लगाना है। चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर बेस्ड। तो बेटा ये हमारा 5th क्वेश्चन है, अब देख रखा है हमें -√19 और इन्फिनिटी तक हमें ये दिया हुआ है। अब देखिए 19 का तो कोई भी ऐसा फैक्टर बन नहीं रहा जिनका डिफरेंस एक आ जाए, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, जब √a - √a के लिए मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, √4a + 1 - में क्या आएगा बेटा -1 अपॉन में क्या करेंगे 2, है ना, प्लस होता था अगर सीरीज में तो प्लस यूज करते थे हम यहां पर, और अगर माइनस होगा इस सीरीज में तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे माइनस। ए की वैल्यू यहां पर हमारी कितनी होगी, ए की वैल्यू हमारे यहां पर होगी अभी 19, ठीक है, तो 19 हम क्या करेंगे √4 × 19 + 1 -1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, तो 4 को 19 से मल्टीप्लाई करने पर 4 × 19 हमारा कितना आ गया 76, ठीक है, तो 76 प्लस में 1 हो जाएगा तो ये कितना आएगा √77 - 1 upon 2। अब देखिए इस फॉर्म में है, ये कितना है √77 + 1, नहीं ये आंसर नहीं हो सकता, √77 - 1 upon 2, हाँ तो यही तो हमारा आंसर आया है, तो हमारा पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा ए। क्लियर है, अब देखिए आगे के जो क्वेश्चन है ना बेटा, जो हमने ये 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूले और ट्रिक सीखी है उसी पर बेस्ड है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। चलिए बेटा तो हम क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंच गए हैं जो कि हमारी वीडियो के थंबनेल पर था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए जो हमने अभी ट्रिक सीखी और कॉन्सेप्ट सीखा 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन उसी पर ये पूरी तरह से बेस्ड है। अब हमने सीखा कि √a + √a और ये इन्फिनिटी तक होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है √4a + 1 + 1 upon 2, और अगर ये माइनस में है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है √4a + 1 - 1 upon 2, ठीक है, और ये फॉर्मूला हम कब लगाते थे, जब हमारे पास a की वैल्यू कोई ऐसी वैल्यू हो जिसका फैक्टर के डिफरेंस, जो फैक्टर का डिफरेंस है वो एक ना हो पाए, ठीक है, तो देखो वेरिएबल्स यहां दोनों ही a और b में वेरिएबल सेम है, यहां भी 13 दे रखा है और यहां भी 13 दे रखा है, तो हम इसको मान के चल सकते हैं ना कि √a + √a + √a कहां तक है, इन्फिनिटी तक। तो बेटा a की वैल्यू मैं यहां पर बोल सकता हूं कि a की वैल्यू जो होगी वो हमारी कितने के बराबर होगी, वो होगी 4a + 1 और +1 upon 2 कितना 2 के बराबर। बस यहां क्या करना है, a की जगह हमें 13 लिखना है, वो लिखो या मत लिखो क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे बस आप समझते रहो, और b को देखो बीच में माइनस है तो b हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, b हमारा बराबर हो जाएगा √4a + 1 upon 2 और -1। क्लियर है, अब हमसे बोल रखा है कि बताओ भी कौन सा रिलेशन इन ऑप्शंस में से सही है, तो देखो यहां a + b कर रखा है, यहां a+ इन दोनों को जोड़ रखा है, यहां a - b, यहां भी a - b है और यहां भी a - b है, तो तीन ऑप्शन में a और b को क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है, मतलब कि ऑप्शन को अगर हम देखें तो ऑप्शन हमें प्रिफरेंस कर रहा है कि भाई a को b में से माइनस करो, तो एक बार सबसे पहले हम माइनस करके देखते हैं, तो बेटा साइन चेंज कर देंगे माइनस माइनस और यहां क्या आ जाएगा माइनस, तो देखो a - b इक्वल टू क्या होगा, देखो प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां कितना बचेगा 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा 1/2, तो a - b कितने के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। अब ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है, बट अगर मैं a को यहां पर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा a - b - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा b।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली डिपेंड था ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट पे जो हमने आगे सीखा। तो चलिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और हम करते हैं जो कि वास्तव में बहुत इजी है वो भी। चलिए तो बेटा आगे पढ़ते हैं। चलिए तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। और इस क्वेश्चन में जो मैं बोलूंगा वो गलती कभी नहीं करनी। देखो ध्यान से समझो, पी एक वेरिएबल दे रखा है हमें, राइट। पी एक वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है जिसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। एक पुट कर लो, दो पुट कर लो, तीन पुट कर लो, चार पुट कर लो, एक वेरिएबल है पी। अब देखो सबसे मेन बात यह है, अगर मान लो मैं पी की वैल्यू यहां पर दो पुट कर लेता हूं, ठीक है, तो यहां तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, दो। फिर यहां दो की पावर कितनी होगी, दो, दो की पावर दो कितना हो जाएगा, चार। फिर दो की पावर चार कितना आ जाएगा, 16। तो अगर मैं दो पुट करता हूं तो मेरा जो क्वेश्चन है बेटा वो टफ हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो दो टफ, दो पुट करने में कोई ज्ञान नहीं है, बट हम लोगों को इतनी बात पता है कि एक की पावर चाहे कुछ भी हो, एक की पावर चाहे कुछ भी हो वो हमेशा एक ही होता है। भाई अगर मैं एक की पावर दो बोल रहा हूं तो वो एक ही रहेगा, एक की पावर चार बोलूंगा तो वो एक ही रहेगा। तो a की वैल्यू, p की वैल्यू एक रखने पर हमें इतनी बात समझ में आई कि हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा वो इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन में हम p की वैल्यू पुट कर लेंगे एक। अब जब मैंने p की वैल्यू एक पुट करी तो ये कितना आएगा, 1 में अंडर रूट 1 प्लस कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1। और कहां तक आ गया बेटा, ये इन्फिनिटी तक हो गया, क्लियर है, ये हो गया इन्फिनिटी तक। अब देखो इतनी बात तो हम पढ़ चुके हैं, ये कितने के बराबर होगा, इतनी बात तो हम पढ़ चुके हैं। देखो अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1। अब एक एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर का अंतर कभी भी एक नहीं हो सकता, तो इसको मैं कितना बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं कि ये हो जाएगा हमारा कितने के बराबर, 4a + 1 + 1 अपॉन में 2 के बराबर, राइट बेटा। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि 1 प्लस में 4a + 1 + 1 अपॉन में 2 के बराबर। a मतलब p, और p यहां कितने के बराबर रखा हमने, 1 के बराबर। a का मतलब यहां p है और p हमने कितने के बराबर रखा है बेटा, 1 के बराबर। तो यहां 4 a की जगह हम 1 रखेंगे, a की जगह जब हम 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 1 कितना आ जाएगा, 5। तो ये आ जाएगा 1 प्लस में अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन में कितना आएगा बेटा, 2। अब 2 का मल्टीप्लाई जब यहां पर होगा, क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 प्लस में अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, 2। क्लियर है। तो देखो ध्यान से समझना, अब 1 प्लस में 2 ये कितना आ गया हमारे पास, 3 प्लस में अंडर रूट 5 बटे में 2। क्लियर है बेटा, ये इतना आ गया हमारे पास। अब देखिए ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शन ए बी सी डी। P हमने कितना रखा है, P हमने 1 के बराबर रखा है, तो P जब हमने 1 के बराबर रखा है तो ये कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब ऐसा कुछ है हमारे पास नहीं जी, अंडर रूट 5 प्लस 2 प्लस अपॉन में कितना है, 2 नहीं, पर हमारा कितना है अपॉन में, हमारे पास जो आंसर आया बेटा वो कितना है, 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन में 2। अगर P मैं 1 रखता हूं तो ये मेरे पास कितना बचेगा, 3 प्लस में अंडर रूट 5 अपॉन में 2, और यही तो मेरा आंसर आया है। तो आंसर क्या होगा, बी। क्लियर है बेटा। तो इस वीडियो में हमने ये टाइप कवर करी है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप कवर करेंगे सर्ट्स एंड इंडाइसिस की। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपने घर पे रहो, सेफ रहो, और हाँ पढ़ते रहो क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।